السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से, उसके करम से, उसकी रहमत से हम दोबारा इस खूबसूरत महफिल में आ बैठे हैं जिसमें हम अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उन्हें याद करेंगे, अल्लाह के अहकामों को देखेंगे और जानेंगे क्या क्या सीरत के मोती आज हम चुनते हैं। पिछली नशिस्त बहुत दिल पे भारी थी, हमने देखा कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गम के पहाड़ टूट पड़े, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी तबलीग का काम को ना छोड़ा और हमारे लिए बहुत बड़ा अमल का नुक्ता था कि अपना बहुत ही प्यारा कोई भी अगर दुनिया से चला जाए फिर भी हमने अल्लाह के नाम को, अल्लाह के काम को हमेशा जारी रखना है। आइए आज नशिस्त का आगाज करते हैं। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم نفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوتي لا يستجاب لها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين। سورة بقرة آیت نمبر 186 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے، तो इन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि हिदायत पाएं। कुरान मजीद एक इतनी खूबसूरत किताब है और इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं बल्कि एक पूरा दीन है। अल्लाह सुभान व तआला ने तमाम क्वेश्चन के आंसर्स हमें उसमें दे दिए हैं, लेकिन मसला सिर्फ हमारी गफलत का है। आज हम लोगों के पास जाते हैं, दरबारों में जाते हैं, बुजुर्गों के पास जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं कि शायद उनके करने से हमारी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन अल्लाह सुभान व तआला कितने खूबसूरत तरीके से कह रहे हैं, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करे तो बेशक मैं नजदीक हूं। अल्लाह सुभान व तआला ने किसी खास इंसान का नाम लेके नहीं कहा कि मैं मुत्तकी के करीब हूँ, मैं मोमिन के करीब हूँ, मैं खुशू रखने वाले के करीब हूँ, बल्कि जब मेरे बंदे, और तमाम इंसानियत किसके बंदे हैं? अल्लाह, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं नजदीक हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करूँ। अल्लाह कह रहा है मैं तो दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करे।
आज के बाद जब भी अल्लाह से दुआ करें, इतने यकीन से दुआ करें कि वो सुन रहा है और वो सुनता है। दुआ पूरी होने में देर सवेर हो सकती है, लेकिन इस बात पे बिल्कुल भी आपका दिल नहीं होना चाहिए कि मैं दुआ करूंगी तो कबूल नहीं होगी। नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करे, और इन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि हिदायत पाए। हिदायत पाने के दो रास्ते भी अल्लाह ने आगे बता दिए। क्या दो रास्ते हैं? कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाए। अकीदा बहुत बड़ी चीज है, और उसमें सबसे बेसिक रूट है तौहीद, अल्लाह पर ईमान लाना। और सबसे ज्यादा मसला ही हमारा अकीदा है तौहीद में। हम जबान से तो बेशक कह देते हैं अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, लेकिन फिर भी हम गैर सहारे तलाश करते रहते हैं, शायद वो मेरे काम आ जाए, शायद फलाने बंदे की दुआ मेरे हक में कबूल कर दे। जरूर दुआ कराएं, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी अपने उस बंदे से करता है, या कुछ ज्यादा जरूर करता होगा, लेकिन वो आमाल पे है। पहले खुद अपने लिए बहुत ज्यादा दुआ किया करो, फिर अपने प्यारों के लिए, और इस ईमान के साथ कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा। अल्लाह की मोहब्बत बड़ी खूबसूरत है, और अल्लाह से मोहब्बत हो जाना ये भी एक बड़ा खूबसूरत एहसास है। अल्लाह सुबहानो ताला एक हमारी इंसानों की मोहब्बत है, एक अल्लाह की मोहब्बत है। हम उसकी इबादत करते हैं, ये हमारी मोहब्बत है। वो हमें इबादत की तौफीक देता है, ये उसकी मोहब्बत है। करोड़ों में खड़े हुए हम सिर्फ उसी को पुकारते हैं, ये हमारी मोहब्बत है। और करोड़ों में वो सिर्फ हमारी पुकार सुनता है, ये उसकी मोहब्बत है। बेशक उसकी मोहब्बत हर शय पे भारी। जितनी भी सिफात हम देखते हैं उनमें सबसे अफजल अल्लाह सुबहान तआला है। हम कहते हैं ना कि हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में, कुरान भी कहता है कि ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, लेकिन अगर हम कोई नेकी का काम कर रहे हैं तो ये उसकी तौफीक है, ये भी उसकी मोहब्बत का एक दिखाने का एक अंदाज है कि मैं तुम्हें तौफीक दे रहा हूँ तो तुम नमाज पढ़ो, मैं तुम्हें तौफीक दे रहा हूँ तो तुम इस महफिल में आके बैठे हो, सारा कुछ उसकी तौफीक से ही हो रहा है। हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गम के पहाड़ टूट पड़े, जुल्म और सितम तो था ही, लेकिन कैसे अबू तालिब की वफात हो गई, फिर आपकी प्यारी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो जहाने फानी से रुखसत हो गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम जारी रखा, ताइफ गए, और कैसे ताइफ वालों ने उनपे जुल्मों के पहाड़ ढा दिए। और दुआए ताइफ, जिसको दुआए मुस्तसफीन भी कहते हैं, जब बहुत दुखी होना, कभी कभी बहुत दुखी होता है इंसान, इतना कि शायद लगता है कि दुख संभल ही नहीं रहा, सबर आएगा ही नहीं, और दुख की इंतहा, तो इस दुआ को जरूर पढ़, आपके दिल को राहत मिले, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसी बातें हैं कि वो बंदा अल्लाह से ही कर सकता है और अल्लाह ही उन बातों को समझ सकता है। आज हम देखेंगे कैसे मुशरिकीन की तरफ से एक और मुतालबा हुआ कि उन्होंने निशानियां तलब करना शुरू कर दी, और ये सुनते हुए ये याद रखिएगा कि आज भी अगर हम ये कहते हैं कि फलाना बंदा नेक है या वो अल्लाह का प्यारा है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर होगी, वो कुछ गैब कर देगा, वो कोई गैब की बात बता देगा या कुछ कर देगा। और फिर ये देखिएगा कि कैसे नबी भी उनके पास भी सुपर नेचुरल पावर नहीं थी, और आज हमारे अंदर जो मुतालबे आ गए कि हम चाहते हैं कि कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई बाबा हो जो हमें कोई ऐसी करामात दिखा दे, कोई ऐसी बात बता दे, कोई कुछ कर दे, तो ये सिर्फ जादू हो सकता है। लेकिन हकीकतन जब इसका इख्तियार अल्लाह सुबहानो ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया, तो आम लोग तो बिल्कुल बहुत दूर है। मुशरिकीन के तकाजों में एक बात ये भी थी कि वो आजिज करने के लिए इनाद के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानियां तलब करते थे, और मुख्तलिफ औकात में कई बार उन्होंने ये मुतालबा किया। चुनाचे एक बार वो मस्जिद हराम में जमा हुए, वहां मशवरा किया, फिर
फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा कि आपकी कौम के अशराफ आपसे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी रुश्द व हिदायत के बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद थे, जैसा कि अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, अगर वो लोग इस बात पर ईमान ना लाए तो शायद आप इनकी खातिर अपने आप को अफसोस के सबक हलाल कर डालें। इतना गम होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो बात नहीं मानते थे कि अल्लाह सुबहान तआला कह रहे हैं कि अगर वो ईमान ना लाए हो सकता है कि आप गम के मारे मर ही जाए। क्या आज हमें गम होता है कि हम अपने प्यारे को कोई गलत काम करते हुए देखें, या हम फिर उसकी बदखोइयों में लग जाते हैं कि हाँ हाँ देखा वो तो करती है, वो तो है ही ऐसी, वो तो है ही ऐसी। अपने बहन भाइयों के लिए दुआ किया कर। दुआ एक ऐसा हथियार है कि वो हमेशा आपको फायदा ही देगा। और एक मोमिन जब किसी दूसरे मोमिन के लिए दुआ करता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है, तो वो दुआ उसके अपने हक में भी कबूल हो जाती है, क्योंकि हर दुआ पे फरिश्ते कह रहे होते हैं या अल्लाह इसको भी वही चीज अता। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस्लाम लाने की उम्मीद बांधे जल्दी से तशरीफ लाए। आना किसको चाहिए था उनको, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग के लिए इतने ख्वाहिशमंद थे, इतने एक्टिव थे कि वो खुद जल्दी से चले गए कि शायद ये लोग ईमान लाएं। उन्होंने कहा आप हमें बतलाते हैं कि पैगंबर के पास निशानियां थी। आपने हमें बताया कि जो पहले पैगंबर थे उनके पास निशानियां थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए लाठी और सोले के लिए ऊंटनी थी, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, तो जिस तरह पहले लोगों को निशानियों के साथ भेजा गया था तो आप भी हमारे पास कोई निशानी लाएं। वो समझते थे कि पैगंबरों की खासियत ये है, वो जब चाहे इस तरह के फर्के आदत मौजजात लाने पर इसी तरह कुदरत रखते हैं जिस तरह आम लोग अपने तभी आमाल पर कुदरत रखते हैं। वो समझते थे कि जो पैगंबर उनके पास ऐसी पावर है कि वो जो चाहे फौरन कर सकते हैं। और आज हम लोगों के जहन में भी आता है कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर होगी, उसके मुंह से तो नूर निकल रहा होगा, लेकिन इनके मुंह से तो नूर ही नहीं निकल रहा, ये तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यारी भी नहीं लग रही, सुपर नेचुरल पावर नहीं। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। चुनाचे उन्होंने इस मस्कूरा मुतालबे के साथ ही ये तजवीज पेश की थी कि आप सफा पहाड़ को सोना बना दें या पहाड़ों को कहीं और ले जाएं और इस इलाके को हमवार जमीन में तब्दील कर दें और इसमें नहर जारी कर दें या हमारे जो आबाओ अजदाद गुजर चुके हैं उन्हें जिंदा कर दें ताकि वो शहादत दें कि आप रसूल हैं। इरशादे बारी ताला है, अल्लाह सुबहान ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और उन्होंने कहा हम आप पर हरगिज ईमान ना लाएंगे यहाँ तक कि आप हमारे लिए जमीन से चश्मा जारी कर दें या आपके लिए खजूर और अंगूर का बाग हो जिसके दरमियान आप नहर बना दें, या जैसा कि आप कहते हैं हमारे ऊपर आसमान टुकड़े टुकड़े करके गिरा दें, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे रूबरू हाजिर कर दें कि आपके लिए सोने का घर हो, या आसमान पर चढ़ जाएं और हम महज आपके चढ़ने को भी तस्लीम नहीं करेंगे यहाँ तक कि आप हम पर एक किताब उतारें जिसे हम पढ़ें। उन्होंने इस मुतालबे के साथ ये भी वाजे कर दिया कि अभी कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश पूरी कर दें तो वो इस्लाम लाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह सुबहान तआला ने सूरह अनाम में इरशाद फरमाया उन्होंने अपनी भरपूर कसमों के साथ अल्लाह की ये कसम खाई कि अगर इनके पास कोई निशानी आ गई तो वो इस पर जरूर ईमान लाएंगे। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि ये जो तलब कर रहे हैं वो दिखला दे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुछ किया? किससे दुआ की? अल्लाह से। बार बार कुरान भी हमें ये बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और इंसान थे, और अभी भी हमें पता चल रहा है चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि ये जो तलब कर रहे हैं वो दिखला दे। आपको उम्मीद थी कि ये लोग मुसलमान हो जाएंगे, इन पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपको ये इख्तियार दिया कि एक बात चुन ले। हजरत जिब्राइल आगे इस दुआ पे उन्होंने आपको इख्तियार दिया कि एक बात चुन ले, जो कुछ ये तलब करते हैं इन्हें दिखला दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर इसके बाद अगर किसी ने कुफर किया तो इसे ऐसा अजाब दिया जाएगा कि पूरी दुनिया वालों में से किसी को इस जैसा अजाब नहीं दिया जाएगा, या फिर इनके लिए तौबा और रहमत का दरवाजा खोल दिया जाए। दो ऑप्शंस हैं, ठीक है ये जो मांग रहे हैं हम इनको दिखा देंगे, लेकिन अगर ये फिर ना माने तो इनको ऐसा अजाब मिलेगा जैसा कभी दुनिया में नहीं आया। दूसरी ऑप्शन ये है कि इनके लिए एंड तक तौबा और रहमत का दरवाजा खुला रहे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि पहले भी कौमों ने ईमान ले आई, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो नहीं मानी और अल्लाह का अजाब आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर था तो उन्होंने दूसरी ऑप्शन चूज कर दी कि अल्लाह ताला इन पे तोबा और रहमत का दरवाजा खोल दे। आपने फरमाया तोबा और रहमत का दरवाजा ही खोला जाए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहलू इख्तियार कर लिया तो इनकी तजवीज का जवाब नाजिल हुआ। आप कह दें मेरा रब पाक है, मैं तो इसके सिवा कुछ नहीं, एक बशर रसूल हूं। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक बशर हूं और रसूल हूं। आप जाके मुंह धो। अल्लाह ताला ने इसी मतलब की सूरह अनाम में भी ताकीद फरमाई। आप कह दें कि निशानियां तो बस अल्लाह के पास हैं और तुम्हें क्या खबर कि जब वो आ जाएंगी तो ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। और आज भी यही होता है, हम लोग कहते हैं या अल्लाह अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं तो 100 नफल पढ़ूंगी, या मैं इतनी अच्छी हो जाऊंगी, या मैं ये आदत छोड़ जाऊंगी। लेकिन जैसे ही हमारे काम हो जाते हैं हम भूल जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर दुनिया में वही काम, वही फिल्में, वही ड्रामे, वही दुनिया के काम, वही पार्टीज, वही तैयार होना, सब कुछ। हम पे तो अल्लाह का बहुत करम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, वरना इस वक्त जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, हम सब की या तो शक्लें बदल चुकी होती हैं या हम लोग ऐसे अजाबों में मुब्तला होते कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर अल्लाह सुबहान तआला ने ये बात बयान फरमाई कि ये लोग अगरचे अपनी पूरी कुव्वत के साथ कसम खाते हैं कि अगर इन्होंने निशानी देख ली तो जरूर ईमान लाएंगे, हालांकि अगर अल्लाह इनको इनकी तलब करदा निशानियां दिखला भी दे तो वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह सुबहान तआला इरशाद फरमाते हैं सूरह अनाम में, अगर हम इनके पास फरिश्ते उतार दें और इनसे मुर्दे बातें करें और हम इनके रूबरू हर चीज इकट्ठी कर लाएं, तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं, मगर ये कि अल्लाह ही चाहे, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। एक बंदा जिसको सब कुछ भी दुनिया में मिल जाए लेकिन अल्लाह की तरफ से हिदायत ना हो तो वो ईमान नहीं ला सकता। लेकिन एक बंदा जिसके पास कुछ भी ना हो लेकिन खालिस्तन अल्लाह की तरफ से हिदायत आ जाए तो वो मोमिन बन जाता है। एक और जगह अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, और अगर कोई ऐसा कुरान होता जिससे पहाड़ चलाए जाते या जिससे जमीन काट दी जाती है, जिसके जरिए से मुर्दों से कलाम किया जाता, तो भी ये ईमान लाने वाले ना थे। हकीकत यह है कि सारे मामलात अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। क्या जो लोग ईमान लाए हैं इन्होंने अभी तक ये नहीं जाना कि अगर अल्लाह चाहता तो सब लोगों को हिदायत देता? अल्लाह चाहता तो ऐसा होता ना कि सब लोग ये पैदा होते और वो मुसलमान, मोमिन और ईमान वाले होते, और दुनिया में बातिल होता ही ना। तो क्यों अल्लाह ताला ने गुड और बैड बनाया, हक भी बनाया बातिल भी बनाया, ताकि वो जान ले कि कौन उससे असली मोहब्बत करता है और कौन सिर्फ मोहब्बत के दावे करता है। इन आयात और इन जैसी दीगर आयात में अल्लाह ने अपनी एक सुन्नत की और तरफ इशारा किया। कोई कौम जब तक मोयन निशानी तलब करे और वो निशानी दिखला दी जाए फिर भी ईमान ना लाए, फिर से हलाक कर दिया जाता है और मोहलत नहीं दी जाती, और अल्लाह की सुन्नत में तगैर और तबदल नहीं। और अल्लाह को मालूम है कि बेशतर कुरैश निशानी देखने के बाद भी ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए अल्लाह ने इनकी तजवीज करदा निशानियों में से कोई निशानी नहीं दिखाई। जो जो उन्होंने कहा अल्लाह ने वो नहीं दिखाया, क्योंकि अल्लाह को पता था कि जो नहीं मानना चाहता वो नहीं मानेगा। एक माँ होती है, उसके 4 बच्चे होते हैं। माँ तो इंसान है लेकिन फिर भी उसे पता होता है कि उसका कौन सा बच्चा कौन सी हरकत कर सकता है। उसे पता होता है कि कौन सा मेरा बच्चा, इसको मैं दुनिया जहान की चीज दे लूं फिर भी ये इतना ढीठ है, ये बात नहीं मानेगा। तो अल्लाह सुबहान तआला तो हमारे खालिक हैं, हमें बनाने वाले हैं, कैसे हो सकता है कि वो हमारी फितरत को ना जानते। अल्लाह सुबहान तआला ने वो निशानियां तो नहीं दिखाई जो वो मांग रहे थे, लेकिन अल्लाह कादिर है, इस बात पे यकीन कर लें, क्योंकि अल्लाह ने वो निशानी दिखाई जो अल्लाह चाहता था। शक के कमर, चांद के 2 टुकड़े होने का वाकया पेश आया, और आज साइंस भी गवाही देती है कि जब चांद पे वो लोग गए, उन्होंने एनालिसिस किया कि एक पूरी लाइन है जो ये दिखाती है कि किसी टाइम पे ये अलहदा हुआ था और फिर इकट्ठा किया गया। जब कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तलब करदा मखसूस निशानियों में से कोई भी निशानी पेश नहीं की, तो उन्होंने समझा कि आपको आजिज और खामोश करने का बेहतरीन जरिया ये है कि आपसे निशानी तलब की जाए।
इससे अवाम को भी बावर कराना जा सकता था कि आप रसूल नहीं बल्कि सुकून साज हैं। चुनाचे उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और तय किया कि आपसे बिलातीन कोई भी निशानी तलब करेंगे, कहेंगे कि अच्छा ये नहीं मानते, कोई भी निशानी दिखा दे। इस पर आपके पास आए और कहा, आखिर कोई निशानी भी है जिससे हम जान सकें कि आप अल्लाह के रसूल हैं? इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से सवाल किया कि उन्हें कोई भी निशानी दिखला दें। चुनाचे अल्लाह ने ये निशानी दिखलाई कि चांद फट कर दो टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा जबले अबू कुबैस के ऊपर और एक इसके नीचे, यहां तक कि लोगों ने हिरा पहाड़ को दोनों टुकड़ों के दरमियान में देखा। चांद टूटा और ऐसा हो गया कि ये पहाड़ है, एक ऊपर और एक इसके नीचे, और लोगों ने ये मंजर देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इशहदू, गवाह रहो, कुरैश ने ये निशानी खुल्लम खुल्ला वाजे तौर पर तवील दौरानिए तक देखी। चुनाचे इनके हाथों के तोते उड़ गए और जो घबरा कर रह गए लेकिन ईमान नहीं लाए। देख ली निशानी, सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाए। ये अबू कबशा के बेटे का जादू है, हम पर मोहम्मद ने जादू कर दिया। आज भी ऐसे लोग नहीं है जो मर्जी कर लो लेकिन उन्होंने नहीं माना? आप उन्हें कोई दुनिया की बात, कोई दुनिया की दलील ला दो, नहीं। अब निशानी मांग रहे थे, चांद के दो टुकड़े हो गए, सामने देख रहे हैं, इतनी देर देखते रहे, घबरा गए, लेकिन फिर भी नहीं माने और कह क्या रहे हैं, कितने बदतमीज थे, ये अबू कबशा के बेटे का जादू है, हम पर मोहब्बत ने जादू कर दिया। एक आदमी ने कहा, अगर इसने तुम पर जादू कर दिया है तो सारे लोगों पर नहीं कर सकता, मुसाफिरों का इंतजार करो। कुछ लोग एक काफले की सूरत में रूट पे गए हुए थे, उन्होंने कहा, अच्छा अगर इसने जादू किया है तो यहाँ पे जो लोग मौजूद है इन पे किया होगा, लेकिन जो काफला आने वाला है अभी उस पे नहीं किया होगा, अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने भी देखा होगा। मुसाफिर आए, इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाँ हमने भी देखा है, लेकिन कुरैश अपने कुफर पर मसर रहे और अपनी ख्वाहिशात ही की पैरवी की, और गालिबन शके कमर का ये वाकया इससे भी बड़े और अहम वाकये इसरा और मेराज की तमहीद था। शके कमर का वाकया पेश आ गया लेकिन ना मानने वालों ने ना माना, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा था कि अब इसरा और मेराज का वाकया पेश आने वाला है। जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है तो जो उससे बहुत प्यार करता है वो कोशिश करता है कि किसी तरह उसको बहलाए, उसका दुख कम हो। एक तो गम का साल था और दो प्यारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से चले गए। फिर ताइफ का सफर था जो कि बहुत ही दिल पे गरां गुजरा। उसके बाद वापस आए तो मुशरिकीन ने मुतालबे करना शुरू कर दिए। अल्लाह सुबहान तआला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने तोहफे में क्या दिया, मेराज का वाकया। मेराज का वाकया बहुत मारूफ है और इसके बारे में बहुत सी रिवायात हैं, और मुसलमान होने के तौर पे हम इस पे पूरा यकीन रखते हैं कि ये वाकया हुआ। मेराज के दो हिस्से हैं, एक है इसरा। इसरा से मुराद है रातों रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से बैतुल मकदस तशरीफ ले जाना, यानी जमीनी सफर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात मक्का से बैतुल मकदस तशरीफ ले गए। और दूसरा हिस्सा है मेराज। मेराज से मुराद ये है कि आलिम बाला में तशरीफ ले जाना। ये वाक्या जिस्म और रूह समेत पेश आया। इसरा का जिक्र कुरान मजीद में है और अल्लाह सुबहानो ताला इरशाद फरमाते हैं, पाक है वो जात जिसने अपने बंदों को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई, जिसके गिर्द हमने बरकत दे रखी है ताकि हम इसे अपनी निशानियां दिखलाएं, बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। हम लोग अगर मेराज का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान तक ले गए। लेकिन अब आप डिफ्रेंसिएशन को याद रखिएगा, इसरा वो सफर है जो मक्का से बैतुल मकदस तक था, समझे ये है मक्का, ये है बैतुल मकदस, तो यहाँ से आप यहाँ आए। उसके बाद दूसरा सफर हुआ जिसका मेराज का सफर है, जो बैतुल मकदस से आसमान, एक सफर ऐसे हुआ और एक सफर आसमान तक ऐसे हुआ, दो डिफरेंट सफर हैं।
मेराज के बारे में कहा जाता है कि वो सूरह नजम की 7वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक में मरकूज है। मेराज का जिक्र सूरह नजम में है और इसरा का जिक्र सूरह बनी इसराइल में। जमीनी सफर का जिक्र सूरह बनी इसराइल में है और आसमानी सफर का जिक्र सूरह नजम में है। इसरा और मेराज के वक्त में भी इख्तलाफ है। अब इसमें बहुत सी बहस की जाती है कि ये कब हुआ, कोई कहता है इस तारीख को हुआ, कोई कहता है इस तारीख को हुआ। याद रखिए, अकलमंद लोग होते हैं जो बहसों में नहीं पड़ते। जब भी हुआ, इससे हमें कुछ फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ जाएगा? मालूमात की हद तक तो ठीक है, आपको पता चल गया जिस वक्त हुआ इस वक्त नहीं हुआ, लेकिन आपका अकीदा तो वही है कि हम यकीन रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए। एक कॉल ये है जिस साल आपकी बासत हुई इसी साल ये वाकया पेश आया। एक कॉल ये है कि सन 590 में पेश आया। एक कॉल ये है कि 27 रजब सन 1090 को पेश आया। एक कॉल ये है कि 17 रमजान सन 1290 में पेश आया। एक कॉल ये है कि मुहर्रम में, और एक कॉल ये है कि 17 रबीउल अव्वल सन 1390 में ये वाकया पेश आया। लेकिन इसकी सही एग्जैक्ट डेट नहीं पता, इसमें बहुत इख्तलाफ है। अब ये कैसे पेश आया? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक लेकर तशरीफ लाए। बुराक क्या था? ये गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा एक जानवर है जो अपना खर अपनी निगाह की आखिरी मकाम पर रखता है। अपना खर होता पाँव, मतलब कि एक जानवर है। कैसा है वो? गधे से बड़ा, खच्चर से छोटा। उसका पाँव जहां तक एंड तक नजर जा रही है वहां तक पहुंचे, तो सोचे कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में थे। आप इस जानवर पर सवार होकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मैयत में बैतुल मकदस तशरीफ लाए और वहां जिस हलके में अंबिया अपनी सवारियां बांधते थे, इसी बुराक को बांध दिया। जगह जहां पे नबी अंबिया कराम सवारियां बांधते थे, वहां पर बुराक को बांध दिया। फिर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, 2 रकत नमाज पढ़ी और इसमें अंबिया की अमामत फरमाई। साथ तमाम अंबिया के इमामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास 3 बर्तन लाए। ये बात बहुत गौर से सुनिएगा, स्पेशली यंग बच्चे, यंग गर्ल्स जो बैठे हुए हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास 3 बर्तन लेकर आए। एक शराब का था, दूसरा शहद का था और तीसरा शहद का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पसंद फरमाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आपने फितरत पाई है। दूध फितरतन निकलता है ना, नेचुरल है, नेचुरली निकलता है। आपको भी हिदायत नसीब हुई और आपकी उम्मत को भी। अगर आपने शराब पसंद फरमाई होती तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। आज के बाद जो लोग कहते हैं कि हम दूध नहीं पीते, या हमें दूध से स्मेल आती है, या दूध पी के वॉमिट आती है, या दूध पी के दिल खराब होता है, मत पीए। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद किया है। आपका दिल नहीं कहता या आपसे नहीं पीने होता तो आप मत पीए, लेकिन बुरा कहेंगे उसको। और ये बात मैं जब कल पढ़ रही थी तो मैंने ये सीखी कि हम बड़ी आसानी से अल्लाह की पैदा करता चीजों को बुरा कह देते हैं, कहते हैं अच्छी नहीं है या इसमें ये है, लेकिन हर चीज में हिकमत, हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़द्दस से आसमान दुनिया तक ले जाया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोलवाया, आपके लिए दरवाजा खोला गया। अल्लाह अकबर। आपने वहां इंसानों के बाप, कौन थे इंसानों के बाप? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने आपके सलाम का जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबुवत का इकरार किया। इनके दाएं एक गरोह था, जब इन्हें देखते तो मुस्कुराते। किसको देख के मुस्कुराते थे? जन्नत वालों, वो सआदत मंदों की रूहें थी। और इनके बाएं एक गरोह था, जब इन्हें देखते तो रोते, वो जहन्नमियों, बदबख्तों की रूह। फिर आपको दूसरे आसमान पर ले जाया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाया, आपके लिए दरवाजा खोला गया। आपने इसमें 2 खालाजाद भाइयों हजरत यहया बिन जकरिया और हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को देखा
और इन्हें सलाम किया। दोनों ने जवाब दिया, मरहबा कहा और नबुवत का इकरार किया। फिर तीसरे आसमान पर ले जाया गया, वहां आपने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को देखा। उन्हें आधा दुनिया का हुस्न दिया गया था। आपने उन्हें भी सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबुवत का इकरार किया। फिर आपको चौथे आसमान पर ले जाया गया, वहां हजरत इदरीस अलैहि सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबुवत का इकरार किया। फिर पांचवें आसमान पर ले जाया गया, वहां हारून अलैहि सलाम को देखा और इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबुवत का इकरार किया। फिर आपको छठे आसमान पर ले जाया गया, वहां हजरत मूसा बिन इमरान अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। आपने इन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबुवत का इकरार किया। फिर जब वहां से आगे बढ़े तो वो रोने लगे। इनसे कहा गया कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि एक जवान मेरे बाद मबूस किया गया, इसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा तादाद में जन्नत में दाखिल होगी। क्यों रोए कि मेरे से आगे भी कोई निकल गए और इसकी उम्मत ज्यादा मेरी उम्मत से जन्नत में चली जाएगी? आज हमारे काम ऐसे हैं कि हम जन्नत में दाखिल हुए, या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े भी हुए? बहुत शौक आता है, बहुत हम एक्साइटेड हो जाते हैं उनका नाम सुन के भी, लेकिन अब मुझे खौफ आता है कि मेरे तो आमाल नहीं है, मेरा तो किरदार नहीं है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस कैसे करूं। एक बच्चा जो ए प्लस देता है या शाइनिंग नंबर से पास होता है, वो भागा भागा अपने टीचर के पास जाता है उन्हें बताने के लिए, क्योंकि वो प्राउड होंगे। और एक बच्चा जो फेल हो जाता है ना, वो छुपता है कि कहीं मेरा टीचर मुझे देख ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके मोहल्ले में हम सबको सिखाने वाले हैं। हम चाहते तो हैं कि हमें उनका दीदार नसीब हो, उनकी शफाअत नसीब हो, लेकिन ये सोच के अब दिल कांपता है कि हम इस काबिल नहीं। अपने किरदार को और अपने आप को ऐसा बनाने की पूरी कोशिश करें। इसके बाद सातवें आसमान पर ले जाया गया, वहां आपकी मुलाकात हजरत इब्राहिम से हुई। आपने इन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। एक बहुत बड़ा अमल का नुक्ता, तमाम पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं। एक मुसलमान क्या किसी भी पैगंबर के बारे में गलत अल्फाज बोल सकता है? क्योंकि एक ही मुसलमान का, एक ईमान वाले का ईमान तमाम पैगंबरों पे है, वो तमाम अल्लाह के पैगंबर थे। कभी भी किसी पैगंबर के बारे में गलत बोलना, तो क्या गलत सोचना भी नहीं है, चाहे आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाए। वो अपनी पुश्त बैतुल मामूर से लगाए हुए थे, जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और दोबारा इनके पलटने की बारी नहीं आती। बैतुल्ला से ऊपर एक और अल्लाह का घर है बैतुल मामूर, जहाँ पे फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं। और कहते हैं इतने फरिश्ते हैं कि रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, तवाफ करते हैं, लेकिन दोबारा बारी नहीं आती। तो वो वहां पे उधर स्टेक लगाए हुए बैठे थे। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा तक लेके जाया गया। इसके पत्ते हाथी के कान जैसे थे, फल बड़े गोंदों या टीलों जैसे, फिर इस पर सोने के पतंगे छा गए और अल्लाह के हुक्म में से जो कुछ छाना था छा गया। इससे वो सिदरा बेरी का दरख्त तब्दील होकर इतना खूबसूरत हो गया कि अल्लाह की कोई मखलूक इसका हुसन बयान करने की ताब नहीं रखती। फिर आपको जब्बार जल जलाला के हजूर ले जाया गया। किसके हजूर ले जाया गया? अल्लाह सुबहान तआला के हजूर। और आप इसके इतने करीब हुए कि दो कमानों के बराबर या इससे भी कम फासला रह गया। कितने करीब होंगे अल्लाह सुबहान तआला के? अल्लाह अकबर। इस वक्त अल्लाह ने अपने बंदे पर वही फरमाई और आप पर और आपकी उम्मत पर दिन रात में 50 वक्त की नमाजें फर्ज की। फिर आप मूसा अलैहि सलाम के करीब से गुजरे तो उन्होंने पूछा, आपके रब ने आपको किस बात का हुक्म दिया? नमाज का तोहफा कहाँ मिला? मैराज में। मुसलमानों पे 5 नमाजें कहाँ पे फर्ज हुई, कब फर्ज हुई?
मेराज में अल्लाह सुबहान तआला ने तोहफे के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को 50 नमाजों का तोहफा दिया। और जब हजरत मूसा के करीब से गुजरे तो उन्होंने कहा आपको क्या मिला, आपने फरमाया 50 नमाजों का। उन्होंने कहा आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती, अपने रब के पास वापस जाइए और इससे तख़फीफ़ का सवाल कीजिए। आपने जिब्राइल अलैहि सलाम की तरफ देखा, उन्होंने इशारा किया कि हाँ अगर आप चाहें, चुनाचे आप वापस हुए। अल्लाह ने फिर 10 नमाजें कम कर दी। फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने फिर पूछा, आपने बतलाया तो उन्होंने फिर तख़फीफ़ का सवाल का मशवरा दिया। यूं हजरत मूसा अलैहि सलाम और अल्लाह जल जलाला के दरमियान आपकी आमदोरफ्त जारी रही, यहाँ तक कि अल्लाह ने 5 नमाजें कर दी। इसके बाद आप फिर हजरत मूसा के पास से गुजरे तो उन्होंने फिर वापस जाकर तख़फीफ़ के सवाल का मशवरा दिया और कहा कि मैंने इससे कम पर बनू इसराइल को पाया लेकिन वो अदा नहीं कर सके और इससे कासिर रहे और इसे छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब मुझे अपने रब से शर्म आ रही है, मैं इस पर राजी हूँ और सरे तस्लीम हम करता। आज हमारा हाल तो बनी इसराइल जैसा ही हो गया कि 5 नमाजें भी हमें इतनी भारी लगती हैं। और आप लोगों को नहीं, अपने आप को मैं कहूंगी कि वाकई किसी किसी वक्त मुझे बहुत मुश्किल लगती है नमाज पढ़ती, बहुत सुस्ती होती है, बहुत बुरे तरीके से नमाज पढ़ती हूँ और जैसा हक है वैसे तो लगता है आज तक एक भी नहीं पढ़ी। और अगर हम पे 50 नमाजें फर्ज हो जाती तो अल्लाह का एहसान कितना बड़ा है कि नमाजें तो 5 कर दी लेकिन सवाब 50 नमाजों का ही हमें मिलता। आज के बाद नमाज में सुस्ती ना करें और इस तोहफे को महसूस करें कि ये अल्लाह का तोहफा है। जैसे ही इस नशिस्त के शुरू में हमने कहा था कि इबादत अल्लाह जिसको तो इबादत करने की तौफीक देता है, ये मोहब्बत का इजहार है। तो जब भी ये तौफीक मिले ना, अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करें और बेहतरीन तरीके से नमाज पढ़े। फिर जब आप मजीद कुछ दूर तशरीफ ले गए तो निदा आई कि मैंने अपना फरीजा नाफिज कर दिया और अपने बंदे से तख़फीफ़ कर दी, वो 5 नमाजें हैं और सवाब में 50 हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नजदीक बात नहीं बदली जाती। इसी की वजह से हर चीज का रिवॉर्ड क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10। मुसलमान के लिए एक नेकी मल्टीप्लाई बाय 10, दो नेकियां मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारी नेकियां ऐड भी नहीं हो रही, हमारी तो मल्टीप्लाई हो रही। आज के बाद ना खुशी खुशी से नमाज पढ़ो और अपने बच्चों को, बहन भाइयों को, घर वालों को कहो कि तुम एक नहीं पढ़े, तुम 5 पढ़ोगे तो 50, और अगर रेगुलर पढ़ते रहोगे तो क्या। और हजरत मूसा अलैहि सलाम क्या कहते कि मैंने बनी इसराइल को देखा था, वो तो इससे कम भी नहीं पढ़ते थे। तो हम इतने पक्के नमाजी हों कि हम हजरत मूसा से इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब जन्नत में मिले कि हम आप प्राउडली कहें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जो 5 नमाजें अच्छे तरीके से खुश हो। मुसलमान का एम जो है ना, फोकस है, वो दुनिया नहीं है। कितनी सी दुनिया है, मैं तो सोचती तो मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत थोड़ी जिंदगी रहेगी, तो काम बहुत ज्यादा है। फोकस क्या है, आखिरत। और आपके पास बाकी रहने वाला भी सब कुछ हुआ है आखिरत। अभी आप लाख कमा ले, 2 लाख कमा ले, 5 लाख कमा ले, चलो करोड़ कमा ले, एट द एंड क्या है, आप क्या करेंगे, आप खाएंगे पिएंगे सोएंगे वही, और क्या सुपर नेचुरल आप कर क्या लोगे। लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, इसकी हर लज्जत खत्म होने वाली है। और जन्नत की सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है, वो कभी नहीं खत्म होने वाली और उसमें कोई बुरी चीज नहीं है। उसमें हमारे प्यारों को मौत नहीं आएगी, वो हमसे बिछड़ेंगी नहीं, वहां पे हर तरह की नेमत हमेशा होगी, वहां पे किसी तरह की आजमाइश नहीं होगी। तो फिर दुनिया तलब करने का कोई फायदा है। और मैं कहती हूँ चलो आप एक्सट्रीम पॉपुलर हो जाएं, एक्सट्रीम खूबसूरत भी हो जाएं, जो मर्जी हो जाए, आपने एट द एंड तो वही आपको जमीन मिलेगी, वहीं पे दफन हो जाना है, साथ आपके तो कुछ भी नहीं जा रहा। और हमारी सारी दौड़ किस तरफ लगी हुई है, दुनिया दुनिया और दुनिया। फिर इसी रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा वापस तशरीफ लाए। जब सुबह हुई तो आपने अपनी कौम को इन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह सुबहान तआला ने आपको दिखलाई थी,
तो कौम की तकजीब और अजियत और जरर रसानी में शिद्दत आ गई। सुन के ये नहीं हुआ कि अच्छा आप गए थे, वो और ज्यादा बदतमीज हो गए और तकलीफ पहुंचाने लगे। किसी ने तालियां बजाई और किसी ने ताजुब और इनकार से अपने सर पर हाथ रख लिया। कुछ लोग हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों के पास दौड़े आए और इन्हें खबर दी। उन्होंने कहा, अगर ये बात आपसे कही जाए तो क्या ये सच होगी? आप रजी अल्लाह ताला ने कहा, ये किसने कहा है? तो लोगों ने कहा, ये आपके दोस्त मोहम्मद ने कहा है। तो उनका जवाब क्या था? अच्छा मैं देखता हूँ या मैं पूछता हूँ? नहीं, कहा अगर मोहम्मद ने कहा है तो मैं मान लाता हूँ, ये बिल्कुल सच बात। उन्होंने इस बात की तस्दीक की, इसीलिए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों का लकब सदीक पड़ गया। उन्होंने कहा, मैं तो इससे भी दूर की बात पर आपकी तस्दीक करता हूँ, आसमान से सुबह या शाम जो खबर आती है मैं इसमें भी आपको सच्चा मानता हूँ। इस पर आपका लकब सदीक पड़ गया रजी अल्लाह ताला अन्हो। फिर कुफार ने आपका इम्तिहान दिया, पूछा कि आप बैतुल मकदस के औसाफ बताएं। कहा कि आप वहां गए थे, हालांकि वो फिजिकली तो नहीं गए थे, तो बताइए कि वो कैसी है? आपने इससे पहले बैतुल मकदस देखा था ना, इस रात इसकी निशानियां जब्त की थी, लेकिन अल्लाह ने इसे आपके लिए रोशन कर दिया। आपने इसे पहले नहीं देखा था, लेकिन जब आप एकदम गए थे तो एकदम एकदम आपको याद नहीं रहता? अगर मैं एकदम इस कमरे में आऊँ और फिर निकल जाऊं तो मुझे नहीं याद रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ है, क्या हल्का सा एक इमेज होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए निशानियां रोशन कर दी। आपने एक एक दरवाजे, एक एक की जगह बताई और वो आपकी कोई तरदीद ना कर सके, वो कोई नुक्स ना निकाल सके, बल्कि ये कहा कि जहां तक औसाफ का ताल्लुक है आपने बिल्कुल ठीक बयान की। मान गए कि आप जो जो चीज बता रहे हैं बिल्कुल ये ऐसा ही है। उन्होंने अपने एक काफले के मुतल्लिक भी सवाल किया जो शाम से आ रहा था। आपने इस काफले के ऊंटों की तादाद, काफले के अहवाल, इनके पहुंचने का वक्त और जो ऊंट आगे आगे रा रहे थे, इन सब की खबर दी और जैसा आपने बतलाया था वैसा ही था। ये भी बता दिया कि काफला आ रहा था, कितने ऊंट थे, कितने आदमी थे, कितने सामान थे, लेकिन फिर भी ना। इसरा की सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पांचों नमाजों की कैफियत और इनके औकात सिखलाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसरा की सुबह क्या हुआ? हजरत इब्राहिम आए और उन्होंने पांचों नमाज की औकात के फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा इस टाइम पे पढ़ी जाएगी और कैसे पढ़नी है उसकी कैफियत हजरत इब्राहिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई। इससे पहले कितनी नमाजें फर्ज थी या पढ़ चुके हैं? इस्लाम से पहले किस किस टाइम पे नमाजें पढ़ते थे? दो नमाजें पढ़ते थे, शाबाश, सुबह और शाम दो रकअत। लेकिन अब क्या हुआ? अब पांच नमाजें फर्ज हो गई। मुसलमानों पे नमाज कब फर्ज हुई? जब इसरा का वाकया पेश आया। अल्लाह सुबहानो ताला दुनिया में इंसान को बहुत कुछ देता है, और जितने मेरे ऑनलाइन और ऑन साइट वाले लिसनर्स हैं, अगर आपका ईमान बढ़ा है, इससे ज्यादा बड़ा तोहफा आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर इतना कुछ होने के बाद भी ईमान में जरा सी भी हलचल नहीं आ रही तो डरो, क्योंकि ये सख्ती की अलामत है। कहीं हमारे दिल इतने सख्त तो नहीं हो गए कि हम अंदर से मुशरिक ही बन गए और हम पे असर ही नहीं हो रहा? बजाहिर तो चलो हम जो भी कर रहे हैं, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई किसी के दिल का हाल जान सकता है? मैं नहीं जान सकती कि आपके दिल और दिमाग में भी क्या चल रहा है, इसी तरह आप भी नहीं जान सकते कि मेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अल्लाह सब जानता है। स्टूडेंट शेयरिंग लेंगे, सब लोग रेडी हो जाएं क्योंकि आज सब शेयरिंग करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आज की चीज हमने यही सीखा है कि अल्लाह पाक हमें पांच वक्त की जो नमाजें हम पर फर्ज की अल्लाह ताला ने आपसे सल्लम ने उनको जो हमें बताया अदा करने का यही है कि हमें अगर अच्छे तरीके से अदा करेंगे तो हमें 50 के बराबर उसका सवाब मिलेगा। तो अल्लाह पाक ये है जो एक बंदे को दूसरी नमाज के जो हम वक्त पर अपना इंतजार कर रहे होते हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत ही है हमारे दिल में कि हम एक नमाज पर दूसरी की फिक्र लगे होते हैं। चाहे हम घर के काम कर रहे हैं, हमें पता है कि नमाज का वक्त होने वाला, हमें नमाज वक्त पर अदा करनी है। जी बेशक, जजाकअल्लाह खैर। जी अलीना कदूस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अमल का नुकता ये है कि अल्लाह हमें इस बात के अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो कुछ हम पढ़े हैं कुरान पाक, और जो आज हमने सबक सीखा है कि मतलब अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि क्योंकि जो भी है वो सब कुछ अल्लाह ताला कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेशक, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा जी। अलमास परवीन साहिबा काइंडली अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी आज का बहुत इम्पोर्टेंट बयान था, इसमें हमें ये भी एक मेरे जहन में आ रहा था कि ये एक गायबाना खबर है वाक्य मेराज जो हमें सुनने को मिला, तो इससे हमें आखिरत के बारे में हमारा यकीन पक्का होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम ऐसे ही सोचें तो पक्का होगा। और ये कि अल्लाह ताला पे जैसे गायबाना ईमान या जो भी ये आखिरत पे ईमान खसूसन जो हम भूल जाते हैं, तो ये सब एक हकीकत है और इसको हमें ऐसे बस पढ़ पढ़ के गुजरना नहीं है या सुन के गुजरना नहीं है, बल्कि इस पे पक्के होना है, अपने ईमान को पक्का करना है। और बहुत फख्र हुआ कि नमाज जो है वो हमें इस तरह से तोहफा में मिली और हमें उसको भी बहुत एहतमाम से पढ़ना है, सीरियसली लेना है हर रुकन को, हर चीज को। माशाल्लाह इन्होंने इतना प्यारा नुक्ता किया कि एक इंसान अमल ही तब करेगा जब उसको ये यकीन होगा कि मैंने मरना है और मेरा हिसाब होना है। अगर आज हमें ये यकीन ना हो तो क्या हम अमल कर सकेंगे? नहीं। तो जितनी अच्छे तरीके से आप इबादत कर रहे हैं वो इस बात पे आपका यकीन जाहिर करते हैं कि एक दिन आपको अपने खालिक के हकीकी से जा मिलना है। जी आमिना मुदस्सर साहिबा काइंडली अनम्यूट कीजिए और शेयरिंग दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोगों ने आज के लेसन में ये सीखा कि नमाज हमें तोहफे के तौर पर मिली है, तो उसके लिए हमें उसको पूरे एहतमाम के साथ और बहुत ही खुशी और खुजू के साथ पढ़ना चाहिए, इस यकीन के साथ कि हमें एक दिन अल्लाह ताला से जाके मिलना है और अल्लाह ताला को इस बात का हिसाब भी देना है। जब अल्लाह ताला ने हमें 5 नमाजें दी हैं और सवाब जो है वो 50 नमाजों का रखा है, तो जाहिर है फिर हमें उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला से हमें हिदायत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में रखे जो तमाम निशानियां, और ऐसे लोगों में ना रखे जो हमें तमाम निशानियां और तमाम चीज़ें देख तमाम सबूत देखने के बाद भी अल्लाह ताला के अहकाम ना माने, और मुसलमान होते हुए भी हम लोग अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला के अहकाम है उनके ऊपर हम अमल ना कर रहे हों। अल्लाह ताला हमें हर हमेशा हिदायत दे। इतनी खूबसूरत बात की है, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करे जो तमाम निशानियां देखने के बावजूद भी इनकार कर रहे हैं। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी यंग उम्मत सख्त बहरा रवि का शिकार, सब कुछ देख रहे हैं, सब सब कुछ जानते हैं लेकिन अमल नहीं करते। जी फातिमा मुदस्सर साहिबा काइंडली अनम्यूट हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोगों ने आज के लेक्चर से ये सीखा है कि जिस तरह से जो लाइक बच्चे होते हैं वो अपने टीचर के पास जाते हुए बहुत खुशी से जाते हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली जाते हैं, और जो जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए होते वो अपने टीचर से थोड़ा सा मतलब झिझक टाइप रहे होते हैं कि हम लोग कैसे जाएंगे अपने टीचर के पास। तो इस बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोगों ने अल्लाह ताला के पास हम लोगों को अगर यकीन है कि एक ना एक दिन जाना है तो हम लोगों को उसके लिए बिल्कुल तैयारी करनी है और नमाजें पढ़नी है, और जब हमें ये भी पता होगा कि उसका सवाब इतना ज्यादा है तो उसके बाद भी अगर हम लोग नहीं पढ़ रहे तो उसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई खामी है जिस वजह से अल्लाह हमें अभी तक हिदायत नहीं देना चाह रहा। ब्यूटीफुल शेयरिंग माशाल्लाह हुलक होता बिल्ला जज़ाकअल्लाह। जी हिना ताहिर साहिबा हिना ताहिर काइंडली अपने आप को अनम्यूट करके शेयरिंग करें। जी नेक्स्ट है हमारे पास कोसर जबीन साहिबा। काइंडली सब लोग शेयरिंग किया करें, घबराया ना करें, ये तो दिल की बातें हैं, आपस की बातें हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज के लेक्चर से हमने ये सीखा कि किसी भी नेक काम की तौफीक अल्लाह के बगैर हमें नहीं आती है, जब तक अल्लाह तौफीक ना दे तो हम कोई भी नेक काम नहीं कर सकते, और अगर हम एक नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें नेकी का 10 गुना सवाब दे। बेशक, बड़ी खूबसूरत ये बात है। जी मैमूना जबीन साहिबा काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने आज ये सीखा है कि अल्लाह के हुक्म की पैरवी करनी चाहिए, अव्वल वक्त में नमाज अदा करनी चाहिए, और जिस तरह हम तैयार होकर दूसरों के हम तैयार होकर किसी महफिल में जाते हैं, इस तरह हमें अल्लाह ताला के हजूर भी तैयार होकर जाना चाहिए और मुकम्मल खुशू और खुजू से नमाज अदा करनी चाहिए। माशाल्लाह, इतना कुछ मैं सीख लिया और अगर अमल कर लिया तो क्या ही बात है। जज़ाकअल्लाह जी। कुदसिया उस्मान साहिबा, काइंडली आप अपनी शेयरिंग दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज की क्लास से हमने हमने ये सीखा है कि जो अमाल होते हैं सबसे पहले तो उसका दारोमदार होता है नियत पर, फिर उसका जो उस पर अमल करना जो है वो हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। अगर हम सारे अमाल करते हैं और नमाज को उस तरीके से अदा नहीं करते, जैसे हमें हमने कुरान में भी पढ़ा है कि नमाज जो है वो जन्नत की चाबी है, यानी कि जब हम सारे अमाल करके जन्नत तक चले जाएंगे और हमारे पास चाबी नहीं होगी दरवाजे की, तो हम उसमें दाखिल कैसे होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि जो हम पर अमाल अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं उसको उसी खुशू और वजू के साथ अदा किया जाए जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। हम हर जगह बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे मेंटेन करते हैं महफलों में हर जगह, लेकिन जब हम अल्लाह की इबादत का टाइम आता है तो हम फटाफट जो है वो चादर लपेट के खड़े हो जाते हैं, जबकि उसके लिए भी हमें पाक होके नहा के साफ होके अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा होना चाहिए कि जैसे हमने किसी से मुलाकात करनी है। जब हमारे दिल में ये चीज आ जाएगी कि अल्लाह हमें देख रहे और हमसे मुलाकात करने के लिए हम उस नमाज पे खड़े हुए हैं, तो वो जो हमारे अंदर एक चीज होती है ना मिलने की, वो खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। बेशक बेशक, जज़ाकअल्लाह खैर जी। मोहम्मद यूसुफ साहब क्या शेयर करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमने जो सीखा उसमें ये है कि हमें अपने दिल को नरम रखना चाहिए और जो हम लोग अपने लिए सोचते हैं लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो हमें अपने मुसलमान भाई के लिए भी वो चीज़ चूज करनी चाहिए और ये चीज़ अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब हम एक नमाज पढ़ते हैं तो अगर हम लोग पूरी खुशू और खुजू से पढ़ें और दिल लगा कर पढ़ें तो हमें ऐसे सुकून मिल जाता है नमाज पढ़ के कि हमने एक फर्ज अदा कर लिया। और जब हम लोग पूरी नमाज 5 फर्ज की पढ़ते हैं, जब ईशा की नमाज पढ़ के आ रहे होते हैं, तो ऐसे जैसे बस दिल करता है कि बस बंदा नमाज पढ़ता ही रहे। जब अगर बंदा पूरे के पूरे दिल लगा कर पढ़े तो बस दिल करता है अल्लाह ताला से बातें ही करते रहे। माशाल्लाह हुल्लु कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इतनी छोटी सी उम्र में इतना प्यारा जज्बा और इतने प्यारे जज्बात और एहसासात, अल्लाह ताला आपको दीन के रास्ते में चुन ले। आपके आपकी माँ बाप के लिए, आपके तमाम बहन भाइयों को सबका जारिया बनाए, क्योंकि आपकी वालिदा बहुत हार्ड वर्किंग लेडी और वालिद और इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला आपको उनके लिए सबका जारिया बना दे। जी सदफ साहिबा काइंडली शेयर करिएगा। जी हो गया। वालेकुम अस्सलाम। आज हमने ये सीखा कि अल्लाह ताला ने हमें नमाजों का जो तोहफा दिया है, हमें सबसे पहले अपनी नमाजों को पूरे सही वक्त में और अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए। और ये जो दुनिया के काम है, ये चाहे हम जितना भी कर लें जो भी कर लें, ये कभी खत्म नहीं होने और इन इनसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आखिर वक्त में हमें नमाज ही काम आनी है, और चाहे हम दिन रात काम कर लें दुनिया के, लेकिन इनसे हमें कुछ हासिल होने वाला, और जो आखिरत में हमारे साथ जाएगी वो हमारी नमाज ही जाएगी। बिल्कुल। और दुनिया के जो काम हमें फिर जिम्मेदारियां हैं, जाहिर है हम सब हाउसवाइफ भी हैं, माएँ भी हैं, हमने वो भी इस नियत से करने हैं कि ये अल्लाह ने जिम्मेदारी हम पे डाली है और अल्लाह ताला इसमें भी हमारे लिए बहुत साजर व सवाब लिख दे। और कोशिश करनी है कि चिड़चिड़े हुए बगैर खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा के, दिल नहीं भी कर रहा तो ये जिम्मेदारी भी हम पूरी कर लें इंशाल्लाह। जी शाहीन काइंडली आप शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी आज के नशिस्त में बहुत से सीखने के नकात थे। नमाज का तो सबने बहुत ज्यादा कर दिया। एक ये कि ईमान बिल गैब, और दूसरा ये जो मोजज़ात हैं इनके ऊपर ईमान, और एक और बात के जो शबे मेराज है उसकी बारे में बहुत ज्यादा मतलब जैसे हम लोग मनाते हैं या वो उसकी कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो कि मतलब उसकी कोई एक फिक्स डेट ही नहीं है, जो जबकि हम उसको इतना ज्यादा मनाते हैं और जिसके बारे में कोई नहीं है, तो अल्लाह ताला हमें इस बिदअत से बचाए। बहुत खूबसूरत पॉइंट जो उन्होंने रेज किया,
कि जब एक चीज की सही एग्जैक्ट सनद हमें पता ही नहीं है कि कब हुई, और उसमें बहुत ज्यादा शोर गुल करने के बजाय अल्लाह के हजूर हाजिर होने का दिन है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हजूर हाजिर हुए थे, अल्लाह को मनाने का दिन है। हम तो ऐसी चीजों में पढ़ गए जो कि बिदते हैं, और एक मुसलमान के लिए शब बारात हो ना हो, हर रात शब बारात हो, हर रात वो अपने अल्लाह से मुलाकात कर सकता है। तो तमाम बिदात से तोबा करिए और उनसे दूर रहिए। जी सुमेरा काशिफ साहिबा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो माशाल्लाह सब ने इतने अच्छे तरीके से और सब कुछ बता दिया हुआ है, लेकिन मैं जस्ट सिर्फ रिपीट करूंगी। एक तो ये कि हम लोगों को नमाज जो है वो पूरे खुशो खुजू के साथ पढ़नी चाहिए, समझ के पढ़नी चाहिए। समझ के पढ़ेंगे तो हमारा उसमें दिल लगेगा। नमाज को पढ़ समझ के पढ़ना चाहिए, और नमाज पढ़ने की अल्लाह ताला तौफीक देता है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो इट डजेंट मीन कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये कि अल्लाह ने हमें अपने पास बुलाने की तौफीक ही नहीं दी कि हम उनके उसके सामने हाजिर हो सके। और ये कि हमें सलाम करने में पहल करनी चाहिए, जैसे हमने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हर आसमान पे गए तो हर नबी ने उनको बढ़ के पहले सलाम किया। तो हमें भी यूं अपने आदात में ये चीज जो है वो शामिल करनी चाहिए कि हमें पहले बढ़ के पहले सलाम करना चाहिए। ब्यूटीफुल पॉइंट। सलाम में हमें क्या करनी चाहिए? पहल। और इससे कोई छोटा हो जाएगा, और जिससे मेरी लड़ाई है उसको मैं सलाम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, करूंगी, क्योंकि ये हमारा काम है करना। सलामती दीजिए और सलामती लीजिए। जी ताहिरा नसीम साहिबा, काइंडली शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, इसमें यही कहना था, सारे लोगों ने बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, तो ये नमाज जो है वो हमें एक तोहफे के तौर पे मिली है। तो किसी का भी जो तोहफा हमें मिलता है, हम उसको किस तरह खुश होते हैं तोहफे से, संभाल के रखते हैं, तो हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए और बड़े हुशू हुज़ू और शौक के साथ नमाज जो है उसको अदा करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये कि अल्लाह ताला हमें इस बात, पहले मेरी एक बहन ने ये बात शेयर की और बड़ी अच्छी लगी है, कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से ना करे जो ईमान नहीं लाते, कि इतने मोजज़ात देखने के बाद भी जब इंसान उस पर ईमान ना लाए तो फिर वो इंसान किस तरह का इंसान है। कि अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा मोजज़ात हर मामले में दिए, तो अल्लाह ताला हमें इन लोगों से बचाए, इन लोगों में हमें शामिल ना करे, और हमें अल्लाह ताला हर ईमान लाने की और नमाजें अच्छे तरीके से पढ़ने की तौफीक दे। तनवीर साहिबा, फाइनली आप अपनी शेयरिंग दें। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? जी माशाल्लाह मैं ठीक हूँ। जी आज के सबक से हमने ये सीखा है कि जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक और सहाबा किराम और अशरा मुबशरा लोग आंखें बंद करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर इतबार करते थे या आंखें बंद करके उसी तरह करते थे, हमें भी चाहिए कि हमें अल्लाह के अहकाम को उसी तरह आंखें बंद करके इस बात में नहीं जाना चाहिए ये कैसे हुआ, कब हुआ, हमें इस बात में नहीं जाना चाहिए। बस अल्लाह के अहकाम को ये समझ के कि अल्लाह का हुक्म है और इसके बाद रसूल का हुक्म है, और इस तरह इस पर अमल करना चाहिए। माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह सुभानहु ताला आप सबके ज़ौक को शौक को ऐसे ही बरकरार रखे, और हम लोग बेहतरीन दीन को पाने वाले, उसको संभालने वाले और फिर उस पर अमल करने वाले लोगों में शामिल हो जाएं। अल्लाह सुभान व तआला से दुआ है कि हम लोग ऐसे बन जाएं जैसे अल्लाह को पसंद है, और हर चीज में अपनी नजरें अल्लाह की तरफ लगा लें, और नमाजों में अल्लाह सुभान व तआला हमें ऐसा खुशू और खुजू अता करे कि हमारी नमाजें हमें वो इनाम सुकून और वो खलूस अता कर दें जो हम चाहते हैं। अल्लाह सुबहान ताला आप से मुझसे राजी हो, पढ़ने में पढ़ाने में जो गलतियां हुई अल्लाह उसे माफ़ करे। अल्लाह सुबहान ताला हमें बेहतरीन ईमान वाला बना दे, अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले, और अमतुल इलह की ये छोटी सी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल करे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.